मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस मुद्दे पर नितिन त्यागी से बात की है हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने। आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है बड़ी राहत। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जिन विधायकों की सदस्यता गई थी उन्हें राहत मिली है। नितिन त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ पहले मैंने पिछली मुलाकात में कहा था कि आप विधायक नहीं रहे। एक बार बधाई आपको, कोर्ट ने आपको राहत दी है। हुआ क्या क्या भीतर, कोर्ट ने कहा क्या आज? कोर्ट ने ये कहा कि नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है इसमें, और तीन में से दो लोगों ने तो सुना भी नहीं है अभी इसको, और ये दोबारा से इसकी हियरिंग होनी चाहिए। यानी कि पिछली जो आपकी डिमांड्स थी कि आप लोग को सुना नहीं गया, शाम के वक्त भी आप लोग आए थे 5-5:30 बजे कि हमको सुन लो, तो क्या फिर से सुनने की बात कही गई? हाँ, सुनने की बात की गई है, नोटिफिकेशन को रद्द किया है, और मेरे ख्याल से दोबारा से सुना जाएगा, और सुना जाएगा तो हम अपना पक्ष रख पाएंगे। तो मुमकिन है आपको राहत दोबारा से? आप विधायक बिना अगला चुनाव लड़े, मतलब 2019 के पहले, 2020 के पहले चुनाव नहीं लड़ना होगा नितिन त्यागी? आई होप सो, ना लड़ना पड़े। हमारे, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तो पूरी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के ऊपर चुनाव क्यों थोपा जाए, और इतनी सी बात को साजिश बना के और इस तरीके से करा गया है, वो जनता भी देखती है, सब लोग देखते हैं, और हमें भगवान पे भी भरोसा है, और कोर्ट पे भी भरोसा है, न्याय पालिका पे भरोसा है। हाँ, वित्त आपका बजट सत्र चल रहा है, क्या बजट सत्र में हम लोग आपको बतौर विधायक, आप और आपके जो बाकी के साथी, उनको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी ने संडे के दिन नोटिफिकेशन साइन किया था, मुझे लगता है कि हम भी स्पीकर साहब से कहेंगे कि सैटरडे संडे चाहे छुट्टी हो, सर आज व्रत है, आज व्रत है। सैटरडे संडे होने के बावजूद भी हम स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ये तो प्रथा शुरू करी है राष्ट्रपति जी ने, वो भी सैटरडे संडे में साइन कर दें, नोटिफिकेशन दे दें कि जो है हम वापस से सत्र अटेंड कर सकें। मंडे को फिर मुमकिन है हम आपको विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, सुना आपने नितिन त्यागी को। और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मिठाई खाने खिलाने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तमाम समर्थक जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, और अब जो है ये मनोज कुमार यहां पर मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज से बात करते हैं। मनोज, कितनी बड़ी राहत आपकी? देखिए, जनता के लिए पूरी राहत है, क्योंकि दो महीने से जो क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा था, विकास रुक गया था पूरी तरह से, हमें पूरा न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा था, और इसीलिए हमारे सारे विधायक के साथ साथ सरकार भी कॉन्फिडेंट थी कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जब हमने कोई ना ऑफिस लिया है, ना कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें मिला है, किसी तरह का वेतन नहीं मिला, सिर्फ जनता की सेवा ईमानदारी से करी, उसका नतीजा ये था कि हमें डर करके भाजपा ने पूरी साजिश के साथ हमें हटाया, लेकिन हमें पूरा न्याय व्यवस्था पे भरोसा रहा। जो आज सत्ते में जैसे की जो जीत हुई, और लगता है पूरी दिल्ली की पुनः दोबारा जीत हुई आज पे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको।